कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। उत्तराखंड में कल भी आपको बता दें कि बैठक हुई थी जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए थे और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक है। कई अहम मुद्दों पर इसमें बड़ा फैसला भी हो सकता है। बता दें कि कल भी कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था और आज बैठक में आपदा पुनर्वास नीति पर निर्णय लिया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। स्कूली छात्रों को टैबलेट देने की योजना पर भी यहां पर मुहर लग सकती है और कई अन्य मुद्दों पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। कल भी कैबिनेट की बैठक हुई थी और आज फिर से कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कल जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़े निर्देश दिए थे और रद्द कर दी गई है कांवड़ यात्रा, इसी कड़ी में आज भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और कई अहम मुद्दों पर फैसला यहां पर लिया जा सकता है। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए टैबलेट जो टैब होता है उसे देने का निर्णय लिया गया है और निर्णय पर आज सहमति बन सकती है। इस पर विचार होगा और इस फैसले पर, इस योजना पर मुहर लग सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और भी कई अहम मुद्दे हैं जिन पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। बता दें कि इससे पहले तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर भी ऐलान किया था कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी और इसी को लेकर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी जो नए सीएम है उत्तराखंड के, उन्होंने उसी तर्ज पर यह फैसला सुनाया है, कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जीओटी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।